वीडियो में इस लेसन में हम सीखेंगे लेयर मास्किंग, तो मतलब एक लेयर को मास्क करके कैसे हम एडिट कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये एक इमेज है जेलीफिश, ये है जेलीफिश, उसका बैकग्राउंड में जो है ब्लू कलर, लेकिन उसको उस कलर को हटाना है या जो भी करना है, तो ऐसे तो हम कुछ टूल्स यूज करके डायरेक्ट पूरा बैकग्राउंड को हटा देंगे, लेकिन कुछ जब जरूरत पड़े तो फिर ऐड करना पड़ता है। तो ऐसे देखे एक सैंपल से मैं लेयर दिखाता हूँ कैसे, मतलब लेयर मास्क कैसे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है लेयर, ये तो बैकग्राउंड लेयर में है, इसका एक कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे कॉपी, लेयर कॉपी, कंट्रोल जे, एक लेयर कॉपी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में मैं एक कलर फिल कर देता हूँ, नहीं तो और एक लेयर ले लेता हूँ, न्यू क्रिएट न्यू लेयर, इसमें एक कलर फिल कर देता हूँ, वाइट वाइट या हाँ वाइट फिल कर लेता हूँ। ठीक है, पूरा तो वाइट नहीं, नॉर्मली डिफॉल्ट में कंट्रोल बैकस्पेस वाइट, ये कलर वाइट कलर फिल कर दिया, देखिए वाइट कलर फिल कर दिया। अभी जो है लेयर मास्किंग, ये लेयर को मैं सिलेक्ट किया लेयर वन में, लेयर वन में मैं लेयर मास्क ऐड कर रहा हूँ, तो कैसे करना है, यहाँ पर देखिए लेयर मेनू बार में जाकर लेयर लेयर में लेयर मास्क, लेयर मास्क में रिविल ऑल करके ऐड करने से एक रिविल ऑल, मतलब ये पर एक मास्क का लेयर ओपन, मतलब ऐड हो गया लेयर मास्क, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं एफएक्स शायद ये, हाँ ये यहाँ पर लेयर मास्क ऐड कर सकते हैं, लेवल्स पैटर्न ग्रेड कलर लेयर मास्क में नहीं, ये नहीं, ये मास्क, ये ऐड है मास्क। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हो गया, मैं यहाँ पर एक बार, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये तो एक लेयर है, इमेज लेयर है और ये मास्क का लेयर, ये मास्क लेयर जो है पूरा वाइट, पूरा वाइट मतलब ये रिवील नहीं, मतलब रिवील है मतलब सब दिखाई देता है हमको, ये पूरा इमेज दिखाई दे रहा है। अगर इसमें अगर हम ब्लैक यूज कर देंगे, देखिए यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट है ब्लैक, अगर ब्लैक कलर यूज करेंगे तो देखिए ये जो इमेज पूरा हाइड हो गया, ये जो मेरा ये जो व्हाइट लेयर था लेयर टू यही है, मतलब व्हाइट दिखाई दे रहा, नहीं तो ये पूरा हाइड हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें अगर फिर व्हाइट में कर लेता हूँ ऑल्ट कंट्रोल बैकस्पेस, तो देखिए तो मतलब यहाँ पर क्या चलता है, अगर ब्लैक कलर फिल कर दिए तो वो डिसअपीयर हो जाता है, पूरा इमेज डिसअपीयर दिखाई नहीं देता, और जब व्हाइट फिल करते हैं तो दिखाई देता है। तो फिर क्या हम कलर फिल कैसे कर सकते हैं, या ब्रश टूल में कर सकते हैं, या सिलेक्शन टूल्स में कर सकते हैं, नहीं तो फिल कलर फिल में जो जिस तरीके से भी हम कलर जो फिल करते हैं कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर देखिए मैं एक ट्रायल दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ब्लैक कलर का पेंट कर लेता हूँ ब्रश टूल में, ब्रश टूल में देखिए ब्रश टूल में मैं पेंट कर लेता हूँ, सॉरी हाँ ब्लैक कलर, देखिए ब्लैक कलर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर देखिए ब्लैक हो गया। तो यहाँ पर मुझे जितना एरिया चाहिए उतना मैं ब्लैक कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पूरा मैं ब्लैक कर दूंगा ऑल्ट बैकस्पेस में, तो पूरा ब्लैक हो गया। देखिए जब ब्लैक कर दिया तो ये इमेज नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी क्या करना है, उसके ऊपर मुझे व्हाइट कलर, मतलब व्हाइट कलर पेंट करना है, व्हाइट कलर पे जितना जेली फिश है, जितना जेली फिश है, जेली फिश का जितना इमेज है उतना इमेज मुझे दिखाना है। तो कैसे करना है, व्हाइट अभी है फोरग्राउंड कलर में व्हाइट लाता हूँ, और व्हाइट लाके मैं ब्रश टूल में पेंट करता हूँ, देखिए देखिए अभी मैं व्हाइट फिल किया, यहाँ पर व्हाइट भी दिखाई दे रहा और जेलीफिश इमेज दिखाई दे रहा।
तो अभी क्या मुझे जो पूरा ब्लू हटाना है तो ये पूरा फिनिशिंग टच करना है, तो मैं इसे सैंपल दिखाने के लिए इसे मैं कर दिया। देखिए अभी मैं फिर ब्लैक ले लेता हूँ और देखिए कंट्रोल जेड। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो ये दोस्त ऐसे ये लेयर मास्किंग है। टूल लेके मैं डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैजिक टूल को और कलर फिल कर लेता हूँ डायरेक्ट ऑल बैकस्पेस। देखिए जहाँ पर भी मतलब मुझे ब्लू कलर हटाना है तो मैं कलर फिल कर लेता हूँ डायरेक्ट। देखिए तो क्या अभी ये मास्क हो गया, ये टूल ये इमेज अब मास्कड है। जब मैं अगर अलग कलर मतलब फिर व्हाइट कलर अगर मैं ब्लैक कलर फिल कर लूँगा व्हाइट कलर फिल कर लूँगा तो फिर ये इमेज पूरा डिसअपीयर हो जाएगा। देखिए तो इमेज ठीक से भी मतलब ठीक से आएगा, मतलब पूरा फाइनल तक जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा करने से होगा। मैं तो थोड़ा थोड़ा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ऑर्डर हिसाब कर लेता हूँ सिलेक्ट करके, तो ऐसे इमेज दिखाई जा रहा। नहीं तो देखिए ठीक है इतना हुआ। तो अभी देखिए मूव टूल सिलेक्ट किया और पूरा इमेज कहाँ गया, जितना जो ब्लैक कलर था वो ब्लैक कलर मेरा हट गया। देखिए मैं अलग लेयर में है और एक लेयर में लेके और एक लेयर में लेके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए अभी देखिए दिखाई दे रहा ना, ये सिर्फ जेली फिश है और उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा कलर आ गया, लेकिन मैं इतना भी फिनिशिंग नहीं किया। अगर किया तो और अच्छा होता, लेकिन अभी ठीक है चलेगा मतलब देखने के लिए। देखिए अभी ये अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी ब्लैक कलर दे दूँ व्हाइट कलर, तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सिलेक्ट कर लिया और व्हाइट कलर सॉरी ये लेयर है। कलर फिल किया मास्क कलर चेंज करके था। देखिए देखिए अभी जब मैं व्हाइट कलर पेंट कर रहा हूँ तो फिर से इमेज पूरा आ गया। ठीक है